नवरात्रि का 9 दिन के बाद दशहरा मनाया जा रहा था और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दशहरे के मौके पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रावण और उनके बेटे तेजस्वी यादव को राक्षस करार दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी ने एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया। इसमें दिखाया कि बिहार की जनता इस रावण का वध कर रही है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दशहरा के मौके पर लोगों को बधाई देते हुए एक एनिमेटेड वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। इसमें रावण के पुतले पर चारा चोर लिखा था और वहीं रावण के पास दो रावण और खड़े थे। हालांकि दो राक्षस थे जिनमें एक पर पलटीमार और दूसरे पर नौवीं फेल लिखा गया था। इस वीडियो में बिहार की जनता अपने तीर से चारा चोर का वध करते नजर आ रही है। इसके बाद बिहार के लोगों को विजयादशमी की बधाई दी गई है। हालांकि वीडियो में किसी भी नेता का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन चारा चोर किसे कहा जाता है ये सर्वविदित है। रावण के कई सिर दिखाए गए जिनमें खूनी नरसंहार, महिला उत्पीड़न, चारा घोटाला, IRCTC घोटाला, गुंडा राज जैसे नाम दिए गए हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी के वीडियो में राक्षसों के नाम पलटीमार और नौवीं फेल रखे गए। इनमें नामों से किस नेता को टारगेट किया जा रहा है ये सब भली भांति आप समझ सकते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी ने वीडियो पर सियासी विवाद खड़ा होना तय माना जा रहा है। वैसे राजद की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से वीडियो ट्वीट किया गया है उसमें साफ तौर पर जो राक्षस है, कहें तो राक्षस में नौवीं फेल तेजस्वी यादव को बताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने वीडियो में किसी तरह के किसी नेता का नाम नहीं लिखा है। हालांकि ये सभी लोग जानते हैं कि नौवीं फेल और चारा चोर किसे कहा जाता है। हालांकि जो जनता है बिहार की वो एक तीर मार रही है जिस तीर पर लिखा गया है सबका साथ सबका विकास, और वो तीर राक्षस बल्कि उनके साथ जो रावण है उनको मारा जा रहा है। और वो रावण जो कि गुंडा राज, IRCTC घोटाला, चारा घोटाला, खूनी नरसंहार, तमाम जो महिला उत्पीड़न है उसके ऊपर ये चीजें लिखी गई है। हालांकि उसके सीने के ऊपर चारा चोर भी लिखा गया है। तो हालांकि चारा चोर के नाम से किसे बिहार की जनता जानती है, किसे सर्वाधित किया जाता है, वो आप सब भली भांति जान रहे हैं। हालांकि सीधे तौर पर सम्राट चौधरी ने दशहरा के मौके पर लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, साथ ही उनके बगल में पलटीमार के नाम से नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते नजर आए हैं। हालांकि जो वीडियो एनिमेटेड पोस्ट किया गया है उसमें किसी नेता का नाम तो नहीं लिखा गया, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आए हैं। हालांकि बिहार की जो जनता है वो सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव जो कि चारा चोर से वीडियो में दिखाया गया है उस पर तीर मारते नजर आ रही है। जो 10 सिरों वाला रावण दिखाया गया है उसमें लालू प्रसाद यादव को अलग अलग घोटालों के नाम से भी ऊपर में दर्शाने की कोशिश की गई है, जिसमें सबसे पहले गुंडा राज, IRCTC घोटाला, चारा घोटाला, खूनी नरसंहार, महिला उत्पीड़न, जो तमाम चीजें हैं उनसे दर्शाने की कोशिश की गई है। हालांकि ठीक रावण के बगल में एक और राक्षस जो खड़ा है वो उसका नाम नौवीं फेल रखा गया। हालांकि नौवीं फेल से किसे दर्शाने की कोशिश की जा रही है ये सब आप भली भांति समझ सकते हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर नौवीं फेल के बगल में पलटीमार भी दर्शाया गया। पलटीमार बिहार की जनता किसे समझती है ये भी आप भली भांति समझ सकते हैं। तो सम्राट चौधरी ने दशहरा के मौके पर सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधते नजर आए। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।